हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 32nd बिहार जुडिशरी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है और अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक रहीं तो इन द मंथ ऑफ जून आपका एग्ज़ाम भी ज़रूर कंडक्ट होगा। और अगर हम उस बिहार के पर्टिकुलर सिलेबस को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि बिहार पीसीएसजे की अगर हम सिर्फ बात करें तो उसके अंदर हमें अलग अलग रूपों में 18 सब्जेक्ट का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और अगर हम 18 सब्जेक्ट को बाइफर्केट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लगभग 12 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आपके मेजर लॉज के तहत कवर होते हैं, जबकि 6 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके माइनर लॉ के तहत कवर किए जाते हैं। हालांकि यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर हम लोग पैनिक हो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो आज मैं रवि झा आपके साथ आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में सीआरपीसी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करूंगा। और ये टॉपिक ना सिर्फ आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है बल्कि आपके प्री के दृष्टिकोण से भी इसकी महत्वपूर्णता को कम रूप से आका बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। अगर मैं आपके साथ आज के टॉपिक की चर्चा करता हूँ तो आज का जो टॉपिक है वो बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। ये प्रावधान आपको सीआरपीसी में धारा 438 के तहत देखने को मिलता है। अब अगर हम इसको या इसकी महत्वपूर्ण को देखें तो हमें यह पता चलता है कि आपके मेंस में देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि एक सवाल यहां से बन सकता है कि डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत से आप क्या समझते हैं। और अगर हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से लगभग एक या दो सवाल आपसे रेंडमली पूछ लिए जाते हैं। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि अग्रिम जमानत के प्रावधान कहाँ पर दिए गए हैं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अग्रिम जमानत कौन कौन सी कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अदरवाइज कुछ ऐसे भी सेक्शंस हैं जिनके ऊपर आपका एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है तो उसके संदर्भ में भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर हम धारा 438 को देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसी आशंका होती है या ऐसा उसको आभास होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा एक्ट कमिट किया गया है या कोई ऐसा कार्य कमिट किया गया है जो अपने आप में ना सिर्फ एक अपराध है बल्कि एक ऐसा अपराध है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, और उस व्यक्ति को इस बात का भी एहसास है कि किसी भी वक्त वो संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर वो व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचना चाहता है तो उसके पास सीआरपीसी की धारा 438 के तहत सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो चाहे तो अपनी अग्रिम जमानत की याचिका वो चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन में दाखिल करे, और अगर वो चाहे तो वो हाई कोर्ट में भी दाखिल कर सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके पूरे के पूरे प्रावधान को देखते हैं तो कई बार हमारे सामने ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि जब हम बेयर एक्ट के वर्जन को देखते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी इसके सीक्वेंस को लेकर चर्चा नहीं की गई है कि आपको क्या पहले कोर्ट ऑफ सेशन अप्रोच करना है या आपको हाई कोर्ट अप्रोच करना है या दोनों जगह आप साइमल्टेनियसली अप्रोच कर सकते हैं। तो परंपरा तो वैसे ये है कि सीआरपीसी तो ये कहता है कि आप दोनों में से किसी भी एक जगह पर आप अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक रूटीन की बात करूँ या एक प्रोसीजर की बात करूँ या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो जो नेचर होता है या जो परंपरा होती है वो तो ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you should approach to the court of session first, and if your bail application has been rejected by the court of session, only after that you may approach to the concerned high court. यानी कि लॉ ये कहता है कि वैसे तो आपको जिला सत्र न्यायालय में अप्रोच करना चाहिए, और अगर वहां से आपकी अग्रिम जमानत याचिका की एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है तो उसके बाद आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट नहीं आ सकते हैं, आप उस परिस्थिति में भी डायरेक्टली हाई कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने ऑन मेरिट आपकी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया और भगवान ना करे अगर वो खारिज हो गई तो आपके सामने सिवाय सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई विकल्प निकल कर नहीं आता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का तात्पर्य भी वहीं पे है कि जब एक व्यक्ति को उसके गिरफ्तार होने की आशंका जाहिर होती है, उसको ऐसा कहीं से जानकारी या कोई इनपुट मिलता है कि उसके अगेंस्ट नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में या
सॉरी माफ कीजिएगा, मैं नॉन कॉग्निजेबल बोल दिया, उसके अगेंस्ट नॉन बिलेबल ऑफेंस में FIR ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। दैट पर्सन माइट बी अरेस्टेड एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। वो व्यक्ति किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर वो व्यक्ति अपने आप को गिरफ्तारी से बचाना चाहता है तो उसको उसी क्षेत्र के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर मौजूद होते हैं वहाँ पे उसको जाना होगा, या कंसर्न हाई कोर्ट में वो अप्रोच कर सकता है। ये बात अलग है कि 438 की एप्लीकेशन आपकी दोनों जगहों पे लगती है। आप ये मत समझिएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन में अगर 438 में आपकी एप्लीकेशन जा रही है तो हाई कोर्ट में आपको CRPC के किसी और प्रावधान का सहारा लेने की ज़रूरत होगी। तो जब आपकी एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट कहीं पर भी दाखिल की जाती है, उसके बाद उस कोर्ट को ये निर्णय करना होता है कि क्या आपको अग्रिम जमानत देना चाहिए या अग्रिम जमानत आपको नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जब कभी भी कोर्ट के द्वारा आपकी अग्रिम जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई होती है या उस पर विचार किया जाता है, तो सबसे पहले कोर्ट ये देखती है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी प्रकृति कैसी है और उनकी गंभीरता का पैमाना कितना है। इसके अलावा कोर्ट ये भी देखती है कि कहीं आपका कोई पहले से आपराधिक इतिहास तो नहीं है। उसके बाद कोर्ट ये भी देखती है कि जो अगर हमने आपकी अग्रिम जमानत याचिका की एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को उनके इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट ना करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब कोर्ट के द्वारा आपको बुलाया जाए तो आप वहाँ से नदारद हो जाएं या आप भाग कर चले जाएं। तो आमतौर पर हम इन सारे फैक्टर्स को देखते हैं, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि जो विक्टिम है वास्तव में वो विक्टिम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रेपुटेशन को इंजर्ड करने के लिए एक मैलाफाइड इंटेंशन से आपके खिलाफ नॉन बिलेबल ऑफेंस में एक FIR को लॉन्च करवाया गया है ताकि आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा सके या उसको तार तार किया जा सके। तो आमतौर पर ये अग्रिम जमानत का प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, जिस प्रोसीजर के तहत चाहे वो आपका कोर्ट ऑफ सेशन हो या आपकी हाई कोर्ट हो, जब कभी भी उसके सामने आपकी एप्लीकेशन आती है तो वो इन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को ज़रूर गौर और बारीकी से देखता है। इसके बाद अगर आपने कोई एप्लीकेशन कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में दाखिल की है, अगर उसके ऊपर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से आपको कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं मिला है या आपकी अग्रिम जमानत याचिका पहले ही दिन खारिज की जा चुकी है, तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी आपका ऑफिसर इंचार्ज होता है कंसर्न पुलिस स्टेशन का, उसके पास ये अधिकार है कि वो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जब तक संबंधित न्यायालय से एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका के ऊपर कोई निर्णय नहीं आ जाता है, या अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूं कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं कर ली जाती है, तब तक वो आमतौर पे पब्लिक में अपनी अपीयरेंस नहीं देता है, क्योंकि उसको सदैव इस बात का भय है कि जो अगर मैं कोर्ट से ऑर्डर लेने से पहले इनके हत्थे चढ़ गया तो मुझे किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर एक बार मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा जो भी ऑब्जेक्ट था एंटिसिपेटरी बेल को लेने का वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, उसके बाद मुझे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और उसके बाद मुझे 439 में रेगुलर बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आमतौर पर आपको जानने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जब एक व्यक्ति को इस बात का भय होता है कि वो व्यक्ति किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने डिफेंस काउंसिल की मदद से वो संबंधित न्यायालय में अपनी एक जमानत याचिका, जिसको कि हम लोग अग्रिम जमानत याचिका के नाम से जानते हैं, उसको वो पेश कर देता है। उसके बाद जब ये एप्लीकेशन अदालत के पास जाती है, और अगर अदालत को लगता है ऑन द अपरेंट फेस कि ये व्यक्ति कम से कम डिजर्व करता है इंटरिम ऑर्डर, तो अदालत एक तरफ तो उसको इंटरिम ऑर्डर देती है, लेकिन उसके साथ ही साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक नोटिस भी सर्व देती है कि हालांकि हमने इस व्यक्ति को अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिया है, लेकिन मीनवाइल हम आपको भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुनना चाहते हैं। अगर आपको इसकी अग्रिम जमानत याचिका के ऑर्डर से कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उस ऑब्जेक्शन को रेज करिए। उसके बाद लगभग अमूमन 7 से 10 दिन का वक्त आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या उस केस के अंदर जो आपका विक्टिम है उसको दिया जाता है। उसके बाद एक डेट और फिक्स की जाती है, और उस डेट को
अल्टीमेटली कोर्ट ये डिसाइड करती है कि इस व्यक्ति को जो अंतरिम आदेश मिला था क्या उस आदेश को रेगुलर करने की ज़रूरत है या नहीं, या कोर्ट अगर चाहे तो आफ्टर हियरिंग दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो उसकी अग्रिम जमानत याचिका की प्रार्थना पत्र को नामंजूर भी कर सकता है। अगर अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई तब तो कोई चिंता का विषय नहीं है, और जो अगर नहीं हुई तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर गिरफ्तारी के भय के बादल मंडराने लगते हैं और वो व्यक्ति किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात अलग है कि जब कभी भी संबंधित न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की जाती है तो आमतौर पे हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेंट का कोर्ट में हाजिर होना ज़रूरी है भी या नहीं। वैसे परंपरा तो ये कहती है कि इस परिस्थितियों में एप्लीकेंट की मौजूदगी डिस्पेंस की जा सकती है, लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट को ये कन्विंस कर देता है कि हुजूर हम मानते हैं कि ये आपकी अग्रिम जमानत याचिका के ऊपर ये कोर्ट सुनवाई करने के लिए बैठी है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हुजूर उस आवेदक का न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है, तो कोर्ट उसकी पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस ना करके उसको हाजिर होने का आदेश भी पारित कर सकता है। और अगर आदेश उसके फेवर में आ गया तब तो गिरफ्तारी का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है, और जो अगर आदेश उसके फेवर में नहीं आया तो कोर्ट के बाहर पुलिस का दल और बल बैठा हुआ है आपके लिए स्वागत में, और वो आपको किसी भी मोमेंट गिरफ्तार कर सकता है बशर्ते कोर्ट के द्वारा आपकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज या नामंजूर कर दी गई हो। अब सवाल यहां पर ये आता है कि अगर हम इंडियन लॉ के अंदर इसके उत्पत्ति को लेकर अगर हम बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो आपका 41st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें इसका जिक्र पहली बार किया गया, और वो दौर था आपका 1969 का। इसके बाद अगर कोई भी कोर्ट या न्यायालय किसी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करता है तो वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जाते हैं, जैसा कि अगर कोर्ट या पुलिस अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो वो अपने आप को अवेलेबल कराएगा। इसके अलावा वो स्थानीय पुलिस को अपने वर्तमान निवास का पता, मूल पता, फ़ोन नंबर इत्यादि प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा वो किसी भी गवाह को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से डराएगा, धमकाएगा नहीं, या किसी भी एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। इवन दो बिना अदालत की पूर्व अनुमति के वो भारत के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा अगर अप्रोप्रिएट कोर्ट को लगता है कि हमारे पास सीआरपीसी में एक सेक्शन और है 437 क्लॉज 3, जिसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस का जिक्र किया गया है, तो न्यायालय उस कंडीशंस को भी यहाँ पर इम्पोज कर सकता है। इसके अलावा माना कि एक व्यक्ति को संबंधित कोर्ट से आपकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द नहीं किया जा सकता है। द मोमेंट वो अपनी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करता है, द मोमेंट वो कोई भी ऐसा काम करता है जिस काम को करने के लिए खास तौर से उसको मना किया गया था, तो न्यायालय में 439 के तहत आप एप्लीकेशन दाखिल करते हैं बेल कैंसिलेशन की, और उस आधार पे न्यायालय सामने वाले व्यक्ति को भी सुनता है और उसके बाद ये निर्णय करता है कि क्या इसकी अग्रिम जमानत याचिका की जो एप्लीकेशन हमने मंजूर की थी क्या वो एज इट इज चलनी चाहिए, या अब वक्त आ चुका है कि उस एप्लीकेशन को तुरंत खारिज किया जाए। तो ये टोटल आपका पूरा कॉन्सेप्ट है 438 का, और यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी और होनी चाहिए, जैसे कि आईपीसी के कुछ धाराएं हैं, आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का एक्ट है, जहाँ पर चाह कर भी आप अपनी अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट में पेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बार्ड किया गया है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगर मेंस में सवाल आता है तो आपको 438 को प्रॉपर डिटेल में लिखने की ज़रूरत है, और अगर प्री में सवाल आएगा तो जाहिर सी बात है वहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि ये विचारधारा किस लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आई, वो दौर कौन सा था, कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जब कभी भी कोर्ट के द्वारा ऐसी एप्लीकेशंस के ऊपर सुनवाई की जाती है तो कोर्ट किन किन चीज़ों को अपने विचार में रखता है, क्या कोर्ट ऑफ सेशन के पास ही ये अधिकार है, क्या हाई कोर्ट के पास ही ये अधिकार है, या दोनों के पास ये अधिकार है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ ले जाते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
टारगेट फॉर आईक्यू पे ऑलरेडी आपका एक बैच 32nd बिहार जुडिशियल के नाम से चल रहा है और ये बैच आपका तब तक चलेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अगर आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके इनरोलमेंट प्रोसीजर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट द टीम ऑफ टारगेट फॉर आई।